ये वाली वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अल जज़ीरा ने एक आर्टिकल छापा था, थोड़ा हो गया पुराना, ज़्यादा पुराना नहीं हो, कुछ दिन हुआ है, उसको पूरा अरबी में था, तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा अभी नहीं, मैंने खाली बताया है कि मैं बनाऊँगा आज रात तक या कल तक आ जाएगी। और एक आर्टिकल है इसराइल का, इसराइल ने पूरा क्लेम किया है कि 100% कोरोना का क्योर मिल चुका है, ये तरीके हैं, ऐसे ऐसे वो वर्क करता है। उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और लिंक दे दूंगा, आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने पढ़ लिया हो तो कमेंट बता सकता है, और अगर किसी ने ना पढ़ा हो ना पता हो तो खैर कल परसों तक तो मैं बता ही दूंगा। तो बने रहना इस वीडियो में, टॉपिक दूसरा है इस वीडियो का भी, लेकिन वो आए और उसके लिए मैं चाहता हूँ जनता सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे कि जब भी वो वीडियो आएगी आप देख सकते हैं। भाई साहब, सोनिया गांधी की सुपुत्री प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, मुंह खोला है अपना साधुओं की हत्या पे। किन साधुओं की हत्या पे? वो नहीं जो महाराष्ट्र में, वो नहीं जो उनकी पार्टी की समर्थन वाली सरकार से बनी है सरकार, उसमें नहीं बोला, शांत, किसी भी कांग्रेस परिवार ने नहीं बोला, समझ गए होंगे आप लोग परिवार का क्या मतलब है। लेकिन अब मुंह खुला, खुलना भी चाहिए, हर मौके पे खुलना चाहिए, अपोजिशन होने का मतलब ही क्या है। लेकिन मैडम ने डबल स्टैंडर्ड दिखाते हुए और सेलेक्टिविज्म दिखाते हुए कि हम कहाँ चुप रहेंगे और कहाँ बोलेंगे, मैडम ने बोला, बहुत अच्छी बात है। खैर, योगी सरकार एक्शन में है, हरकत में है। कि पगौना गांव में दो साधुओं की हत्या का क्या मामला है और पुलिस उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? ये पगौना गांव जो अनूपसर थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर दो बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के दो बाबा रहते थे, और इसी मंदिर पर भी गाँव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था, भंगेड़ी है, बहुत ज्यादा भांग पीने का आदी रहा है। दो तीन दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिसमें बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गाँव के लोगों ने इसको गाँव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था, उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, मौके पर मैं मौजूद हूँ, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल ये नशे अभियुक्त नशे की हालत में है और अर्धनग्न है, तो उससे पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। इस बार मैं भले इसने सेलेक्टिविज्म दिखाया, मुझे सच में अपने प्रदेश की योगी सरकार पर गुस्सा है, सेंटर की मोदी सरकार पे गुस्सा है, होना चाहिए। एक घटना और हुई थी जिसने पूरे पूरे परिवार को मार दिया गया था, मैं वेट कर रहा था कि कब वो मीडिया का हिस्सा बने, कब वो बड़ा हिस्सा बने, कि पूरे पूरे परिवार को गला रेत के मार दिया गया। आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, आदमी है, किसने किया अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पुलिस पहुँची है, सब कुछ, मतलब क्या हो रहा है कोई मीडिया कवरेज नहीं, पूरा पूरा परिवार ख़त्म कर दिया जाता है गला रेत के, जिहादी तरीके से। अब मतलब ये कोई ना सोचे कि मैं मुसलमानों को टारगेट कर रहा हूँ, जिहादी तरीका इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा काम टेररिस्ट करते हैं, उस तरीके से गला काटते हैं, जैसा कमलेश तिवारी का हुआ, जैसा इन लोगों के साथ हुआ, आप फोटो देख सकते हैं। अभी मैं कोई रिलीजियस इशू नहीं बना रहा हूँ, डिस्क्लेमर, मैं बस सरकार को सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यूपी में साधुओं की हत्या हुई, ढंग से कोई मुद्दे को उछाल ही नहीं रहा है। जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उछालेगी, तो ये लोग वेट करते हैं कि जब तक चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल ना हो, मेन स्ट्रीम मीडिया छूती ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि भले ही योगी सरकार स्ट्रिक्टनेस दिखा के पकड़ ले, एक्शन ले ले, कुछ भी कर ले, सब कुछ सामने ले आए, एक सवाल ज्यों का त्यों वहीं पे है कि लगातार महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, किस ढील की वजह से हुआ, किस कारण से हुआ, और करने वालों का एजेंडा क्या है, मैंटेलिटी क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, कि चुन चुन के इस तरीके से मर्डर क्यों हो रहा है। लेकिन सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसलिए चुन के नहीं भेजा था कि ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़े, और कल को ये न्यूज़ आया और हाथ पे हाथ धर के आदमी बैठा रहे। मैं वो जो एटा में घटना हुई, 5 लोगों को मार दिया गया कि परिवार के, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला था, मैं बस वेट कर रहा था कि कुछ पता चले, कुछ मीडिया उठाए, कुछ करे, कुछ हो ही नहीं रहा। उस रिसेंट में अगर किसी ने कुछ उठाया है तो सरप्राइजिंगली मैंने जो देखा है, क्या पता मैं बाकियों को नहीं देख पाऊँगा, प्रियंका वाड्रा ने मेंशन किया, बताऊँ, बहुत सरप्राइजिंग बात थी, प्रियंका वाड्रा ने ईटा वाली घटना को मेंशन किया। सरकार क्या कर रही है, योगी आदित्यनाथ का क्यों नहीं ट्वीट आया, वीडियो कुछ तो करो मेरे भाई। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, सिर्फ सरकार को ब्लेम करना चाहता हूँ, अकाउंटेबिलिटी डालना चाहता हूँ कि जनता देख रही है। अगर किसी कोने में अगर आप ये पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं कि हिंदुओं को डराओ और
एक मसीहा बन के खड़े हो जाओ कि हम ही बचा सकते हैं और वोट बैंक ले जाओ। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इंतज़ार ज़्यादा ना करवाए, दोषियों को पकड़े और सज़ा तो तुरंत दे, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के, चाहे शूट एट साइट, चाहे जो प्रूफ होने के बाद सजा दे जल्दी, वरना जनता का दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, मेरा खुद का दिमाग ख़राब हो रहा है कि लगातार ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, रुक क्यों नहीं रही। पहले तो मैं सोचता था कि महाराष्ट्र में चलो हो गया, बाला साहब ठाकरे नहीं थे, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा क्योंकि योगी जी बैठे हैं, हो गया उत्तर प्रदेश में कुछ दिन के अंदर ही हो गया। तो सरकार को दोबारा सोचना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।